मिस्टर जेपी नड्डा प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि ईस्ट पटेल नगर के बूथ संख्या 143 में कार्यकर्ताओं के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुना और वृक्षारोपण किया। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि हर महीने अपने बूथ के किसी एक साथी के घर मन की बात को सुने और उसके बाद वहीं बूथ की बैठक करें। मिस्टर मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली ने लिखते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में बढ़ता परिवार। गुजरात के सफल उद्योगपति और प्रसिद्ध समाजसेवी महेश सवानी ने आज आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया। महेश भाई का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत है। गुजरात की राजनीति अब एक नया मोड़ ले रही है। राजस्थान यूथ कांग्रेस पेज पर लिखा, मोदी जी ये तीनों काले कृषि कानून जाएंगे और आपकी सरकार भी। सत्ता में आने से पहले गढ़ा गया जुमला, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सत्ता में आने के बाद की हकीकत, तीन काले कृषि कानून व पारित। दिल्ली की सीमाओं पर किसान बीते 7 महीनों से आंदोलनरत, 300 से अधिक किसानों की मौत। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी सरकार ने ठगा नहीं। मिस्टर हेमंत सोरेन सीएम झारखंड ने पेज पर लिखते हुए कहा कि तीर अंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली झारखंड की बेटियां दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी और अंकिता भगत को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। पूरे देश और राज्य को आप पर गर्व है। जय झारखंड। प्रोजेक्ट शिशु के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी।